चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज मैं, मुझे नहीं पता ये कितनी लंबी वीडियो होगी, बट एक रैंडम सी छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू मिस माय वीडियोस। तो मैंने सोचा चलो आज एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ क्विकली शेयर करती हूँ। एक्चुअली पता है ये पूरा हफ्ता ना हमारा शॉपिंग में निकला है, क्योंकि मेरी मौसी आई हुई है लखनऊ से। उनके यहाँ पे, मतलब मेरी मौसी के बेटे की शादी है अप्रैल में, और आप जानते हो शादी की शॉपिंग मतलब मोस्टली लोग दिल्ली से या कोलकाता से करते हैं। तो मौसी ने सोचा दिल्ली से करी जाए इस बार शॉपिंग। और पिछले पूरे चार दिन ना हम लोग ऐसे बाजारों में घूम रहे, इतना मजा आ रहा है यार। शादी की शॉपिंग बहुत फन होती है, टायरिंग होती है, थोड़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाती है जब सामान पसंद नहीं आ रहा होता, बट अगर सामान पसंद आ रहा है और आप पूरा घूम रहे हो शॉपिंग कर रहे हो तो मजा भी बहुत आता है। कल मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, हम लोग कल रानीबाग गए थे सूट की शॉपिंग करने के लिए। और रानीबाग से, मतलब मैं कल पहली बार गई थी, रानीबाग की मार्केट बहुत अच्छी है अगर आपको सूट्स लेने हैं तो, अगर बल्क में लेने हैं तो। अदरवाइज आप तिलक नगर की मार्केट भी ट्राई कर सकते हो, तिलक नगर की मार्केट में भी सूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और लहंगा साड़ी वगैरह हम लोग ज्यादातर चांदनी चौक से खरीदते हैं, संजीला और अप्सरा वाले से। और जो गाउन्स वगैरह, बॉल गाउन्स हो गए, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस जो हम एक पहले एंगेजमेंट जो होती है उसमें पहनते हैं, वो सारी शॉपिंग हम लोग कोहाट से करना प्रेफर करते हैं। वहां पे ये अप्सरा, ओढ़नी, इन सब के जो शोरूम्स बने हुए हैं ना, वहां पे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो हम लोग परसों गए थे कोहाट, वहां से हम लोगों ने इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस की शॉपिंग करवाई थी अपनी नई भाभी की, वो भी आई हुई थी एक्चुअली। तो उनका फिटिंग वगैरह सब देख के, उनकी चॉइस का लहंगा, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह सब उनकी परचेजिंग करा दी। और आज फिर से भाभी और मौसी गए हुए हैं चांदनी चौक, क्योंकि वहां से ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लटकन, अगर कोई साड़ी है जिसका आपको थोड़ा कंट्रास्ट में ब्लाउज वगैरह चाहिए, इस टाइप का सामान भी बहुत अच्छा मिल जाता है। नेक चार का सामान आपको चाहिए जो शादी वगैरह में चाहिए होता है, वो सब भी किनारी बाजार में बहुत अच्छा मिलता है। तो ये हो गई दिल्ली के बाजारों की बातें। आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये फ्रिज मैग्नेट दिखाया था, ये आप लोगों को बहुत पसंद आया था और बहुत लोगों ने पूछा प्रिया आपने कहाँ से बनवाया है। तो ये मैंने ना एक इंस्टाग्राम स्टोर है क्राफ्टिंग टेल, उनका डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने ये अपनी एनिवर्सरी पे बनवाया था अपने पैसे खर्च करके। ये बहुत महंगा नहीं था, आई थिंक 650 रुपीज का था ये, बट मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। इसमें ना एक फ्लॉ क्या है, इन्होंने ना मेरे नाम की स्पेलिंग गलत कर दी, ये देखो मेरे नाम की स्पेलिंग गलत कर दी और हमारी वेडिंग डेट भी गलत कर दी। तो मैंने उन्हें बोला हुआ है इसका रीमेक आ जाएगा ये थोड़े दिन में बन के, बट या आई रियली रियली लाइक इट, कितना प्यारा सा है देखो। और अभी अभी मुझे एक पैकेज रिसीव हुआ है, मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था मामा अर्थ की वेबसाइट से, अगेन ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसे से सामान ऑर्डर किया था। तो ये देखो, ये है मामा अर्थ की टूथपेस्ट जो केशु को पसंद आ रही है इसका फ्लेवर, तो मैं ये दूसरा बॉटल मैंने मंगवाया है, मतलब एक खत्म हो चुका है। और ये मैं सनस्क्रीन इंडिया में यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का, बहुत क्रीमी टेक्स्चर का है और मतलब मेरे स्किन टाइप को सूट कर गया। ये मैं आई थिंक थर्ड मैंने मंगवाया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये आप ट्राई कर सकते हो। मतलब मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको पता है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो, मैं बहुत ना चुन चुन के प्रोडक्ट्स को लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पे ना अक्सर प्रोडक्ट्स काम नहीं करते, तो जो कर जाते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपकी भी सेंसिटिव स्किन है तो आप ये मामा अर्थ का लाइट वेट सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ ना आउटफिट्स दिखाती हूँ जो मुझे सिया फैशन की तरफ से कुछ दिन पहले आए थे। मैंने इधर उधर थोड़ी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाली एंड ओ माय गॉड, आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने उन साड़ीज का लिंक मांगा है। तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले ना सबसे प्यारी साड़ी से स्टार्ट करते हैं, मैंने कल एक इसकी पिक्चर डाली थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका लिंक मांगा है। ये देखो, ये बहुत ही व्हाइट बेस पे, क्रीम बेस पे रेड बॉर्डर के साथ साड़ी है। आजकल ना ये वाला कलर बहुत ट्रेंडिंग है, जैसा मैंने बोला अभी हम लोग ना लास्ट 3-4 दिन से मार्केट में घूम रहे हैं, इस टाइप की साड़ीज बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं। मतलब मैंने वहां पे देखा लोग ऐसे ड्रेप करा करा के देख रहे थे और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप लेना चाहो तो इसका पल्ला आपको दिखाती हूँ, पल्ला बहुत ज्यादा सुंदर है इसका और पहनने के बाद ना लुक बहुत अच्छा आ रहा था। ये देखो, ये है इसका आंचल और प्रॉपर लेंथ वगैरह इसकी पूरी है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी प्लीट्स में या लेंथ में भी, जैसे साड़ियां छोटी होती है ना उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही प्यारी सी लुकिंग साड़ी है ये, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके साथ ना आप अगर आपके पास बीड्स वाला कोई
चोकर नेकलेस है वो पहनूं, बहुत सुंदर लगता है। मैंने मम्मा के बीज वाले कड़े, बीज वाली रिंग पहनी थी, चोकर कोई मुझे मिला नहीं बीज वाला, बट ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। अगर हल्के फुल्के फंक्शंस में आपको जाना है, डे टाइम फंक्शंस में जाना है, स्पेशली समर्स में, तो ये वाला कलर भी बहुत सूदिंग लगेगा आंखों को, और देखने में साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऐसा स्टाइल करके। मैंने ये सारे साड़ी जो मैंने स्टाइल किए ना, वो मम्मी के ब्लाउज डिफरेंट डिफरेंट कलर के पहन के स्टाइल कर ली थी, क्योंकि अभी इनके ब्लाउज सिल के नहीं आए। एक और साड़ी आपको दिखाती हूँ जो इस कलर में है, ये पर्पलिश वायलेट कलर है, फालसा कलर जैसे हम बोलते हैं। ये वाला कलर भी दोस्तों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो पर्पल कलर आजकल, मतलब आप लहंगे में देख लो, सूट में देख लो, आपको पर्पल कलर बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो ये मैंने एक पैठनी मंगवाई है, बहुत ही ज्यादा अगेन साड़ी ब्यूटीफुल है, पूरी साड़ी में ये वाला बॉर्डर मिलेगा, अफोर्डेबल रेंज की पैठनी साड़ी है। आपको मतलब जैसे पैठनी ना यार क्या होता है, अगर पैठनी पे बहुत ज्यादा कढ़ाई होती है तो उसके प्राइस रेंज बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारी लगी ये वाली, देखो इस टाइप से इसका बॉर्डर आएगा ऊपर से, एंड दिस इज इट्स ब्यूटिफुल सा आंचल, बहुत प्यारी लगती है आप कह सकते हो। तो ये वाली साड़ी भी आप ट्राई कर सकते हो, मैं इसका लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पैठनी साड़ी है, अगेन इसका सिल्क बहुत लाइट है तो प्लीटिंग वगैरह में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई, एंड इसका साइज भी एकदम परफेक्ट निकला, मतलब साड़ी का आंचल वगैरह प्रॉपर आपको आएगा और अच्छी प्लीट्स बन जाएंगी। अब एक मैं आपको सूट दिखाती हूँ, लॉन्ग सूट जो मैंने अपने लिए मंगवाया है, एंड यू विल सी मी वेयरिंग दिस इन सम ऑफ द वेडिंग फंक्शंस। मुझे अगेन ये सूट बहुत अच्छा लगा, ये थोड़ा सा हायर रेंज पे था क्योंकि ये सूट अपने आप में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये लॉन्ग सूट दिखाती हूँ, क्रीम बेस पे है। अच्छा मैंने ना ये लाइट कलर्स इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि यार शादी अप्रैल में है, एंड प्रोबेबली वी विल बी अटेंडिंग दैट वेडिंग, तो लाइट कलर्स ना बहुत अच्छे लगते हैं समर्स की शादियों में, तो इसीलिए मैंने ना इस टाइप के लाइट कलर के कपड़े मंगवाए हैं। तो इसलिए आपको मैं एम्ब्रॉयडरी दिखाऊं, ये देखो पूरे सूट पे ना नीचे इस टाइप की हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, एंड सूट का कपड़ा अगेन सिल्क है और ये इस टाइप की बूटियां लगी हुई है सिल्क पे। ये अनारकली स्टाइल है, यहां से स्लिट ओपन है सूट का, आगे से इस टाइप से ये ओपन है, और नेक पे भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा मिरर वर्क हो रखा है, ये देखो पीछे से ऑल ओवर सूट में ना ये सेल्फ में बूटियां लगी हुई हैं इस टाइप से, और ये पूरे ही आगे और पीछे इस टाइप का बॉर्डर बना हुआ है सूट में, इसका बॉर्डर बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। ये हो गई सूट की बात। सूट जैसा कि मैंने बोला फ्रंट स्लिट वाला है, तो इसके साथ ये पैंट आती है, प्लेन पैंट है, पैंट ज्यादा दिखती नहीं है बट सिंस इट हैज दैट स्लिट, तो पैंट आपको नीचे से कैरी करनी पड़ेगी और वो लगती भी बहुत सुंदर है। आजकल बेल्ट का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आपको पता ही होगा अगर आप मार्केट में निकलते हो, तो इस सूट के साथ ये बहुत ही प्रिटी सी वर्क वाली बेल्ट आई है, एंड इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज्यादा सुंदर है, रेड कलर का सिल्क बेस पे अगेन, तो मतलब आप समझ रहे हो क्रीम के ऊपर रेड कलर का दुपट्टा कितना ज्यादा प्रिटी लगता है। मैंने पता है इसे कैसे स्टाइल किया था, आप साइड में देख ही रहे हो, मैंने इसकी पतली सी प्लीट बनाई और एक शोल्डर पे डाल के, एंड देन मैंने ये बेल्ट पहन ली थी, इतना ज्यादा सुंदर लुक आ रहा था। इसके साथ ना आप क्रीम कलर की या रेड कलर की मोजरीज पहन लो, जुत्तीज पहन लो जो पंजाबी जुत्तीज होती है, या आप हील्स कैरी करना चाहते हो तो हील्स कैरी कर लो, वैसे इसके साथ ना जुत्तीज ज्यादा अच्छी लगेंगी। मैंने इसकी बाजू कस्टमाइज करवाई थी अपने अकॉर्डिंग, एंड बाजू पे भी मैंने आपको दिखाया नहीं इस टाइप का पूरा एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत प्रिटी सूट है ये। कुछ इसका रेंज थोड़ा सा हायर था, आई थिंक 7000 की कुछ रेंज का था, बट इट इज रियली रियली ब्यूटीफुल। सो ये थी मेरी कुछ सिया फैशन की शॉपिंग, मामा अर्थ की शॉपिंग, और इस फ्रिज मैग्नेट के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको बता दूं। सो ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी आज की एक वीडियो, आई होप आपने एंजॉय की होगी। फिर से मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, बस केशु आता ही होगा अभी ना। स्कूल के टाइमिंग्स 31 जनवरी तक चेंज हुए थे, एक घंटा डिले हुआ था स्कूल, बट देन अभी इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज्यादा फॉग है, ठंड उतनी नहीं रही बट फॉगी बहुत ज्यादा होता है मॉर्निंग में, तो बच्चे एक घंटा लेट जाते हैं और दोपहर में एक घंटा लेट ही आते हैं। तो बस अब बस केशु के आने का टाइम हो गया, एंड आई विल जस्ट क्विकली वाइंड अप दिस वीडियो सो दैट
उसके आते ही फिर उसको खाना खिलाना वो सब काम शुरू हो जाता है। एंड बच्चों के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। किशु के तो कोई एग्जाम्स नहीं है, बट हाँ गोविंद के एग्जाम्स हैं 20th February से। सो उसका फर्स्ट ग्रेड तो पूरा इंडिया में ही हो जाएगा अब। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वी विल बी कंटिन्यूइंग हिज सेकेंड ग्रेड। काफी लोग पूछते हैं प्रिया वी मिस योर US vlogs, आप US कब वापस जाओगे? तो दोस्तों आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस येट, बट यस जब भी कोई आंसर आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट सबसे पहले करूंगी। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट डे जब वो न्यूज मेरे कान में पड़ेगी, हाँ ये स्पेसिफिक डेट है जब हम US जा रहे हैं, बट अभी कोई डेट एज सच मेरे पास है नहीं। एंड काफी लोग तो समझते हैं कि मैं परमानेंटली आ गई, नहीं नहीं नहीं, मैं परमानेंटली नहीं आई, मेरा वहां पे अपना घर है, आपने देखा है, सो इट इज स्टिल देयर। वी विल बी गोइंग बैक टू शिकागो, आई डोंट नो वेन, बट वी विल बी गोइंग। तो यस, ये थी एक लेटेस्ट सी अपडेट हमारे US जाने की, मेरी शॉपिंग की। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार दिखाते हो मेरे शॉर्ट वीडियोस को भी। एंड प्लीज यार कमेंट्स में ना कुछ शेयर किया करो, मुझे ना आपके थॉट प्रोसेस, आपके कमेंट्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है। ये थी आज की वीडियो, चलो अब मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। बाय।